जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हमारा वीडियो का टॉपिक है हजरत मूसा अली सलाम का मौजजा, साइंस ने साबित कर दिया मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मूसा। दोस्तों इस वीडियो को आप हमारे साथ आखिर तक जरूर देखें क्योंकि बहुत अहम वीडियो है ये, और आगे देखने से पहले आप चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे आपको बेहतरीन वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं, रिएक्शन और रिव्यू देते हैं, सो लेट्स वॉच इट वॉच इट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। एआर नॉलेज मॉडल दोस्तों, आपने हजरत मूसा अलैहि सलाम और फिरौन का वाकया कई बार पढ़ा और सुना होगा, जो कि कुरान करीम में मौजूद है, जिसकी कुछ तफसील हमें बाइबल में भी मिलती है। लेकिन आज जो आपको इस वाकये पर की गई साइंसी तहकीक बताने वाले हैं, वो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जरूर देखें, बिल्कुल। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपने असा मुबारक से समंदर के पानी को अल्लाह के हुक्म से दो हिस्सों में काट दिया और अपनी कौम समंदर के बीच बनने वाले इस रास्ते पर चलती हुई आगे निकल गई, जबकि उनका पीछा करने वाली फिरौन की फौज ने जब इसी रास्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो दोनों जानिब से समंदर का पानी मिल गया और जालिम फौज समंदर में गर्क हो गई। बेशक। और यूं हजरत मूसा अलैहि सलाम के इस मौजज़े की बदौलत उनकी कौम ने फिरौन के जुल्म सितम से निजात पाई। अच्छा। दोस्तों मजहबी किताबों के अलावा तारीखी किताब में मिलता है। अच्छा। मगर कुछ अरसा पहले तक साइंसदान इसे सिर्फ एक अफसाना ही समझते रहे। अलबत्ता मालिन ने असार कदीमा और मुहक्किकीन ने अब पहली बार समंदर की तह में कुछ ऐसे सबूत दरियाफ्त कर लिए हैं कि मगरब के नाम पर साइंसदान भी इस वाकये को हकीकत मानने पर मजबूर हो गए हैं। अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन के साइंसदान डॉक्टर रेनार्ड मोलर तहकीकारों की एक टीम को लेकर बहीरा अहमर के सफर पर रवाना हुए थे। डॉक्टर मोलर की टीम ने मिस्र के साहिल पर एक मखसूस मकाम से समंदर की तह में पुराने निशानियों की तलाश का सिलसिला शुरू किया और तमाम हैरतनाक चीजें अपनी आंखों से देखी जो कदीम मौजज़े की गवाही आज भी दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस समंदर की तह में आज भी टूटे फूटे रथ बिखरे पड़े हैं जिनके पहिए भी नजर आ रहे हैं और उनके आसपास हजारों साल पुरानी तलवारें और दीगर कदीम हथियार भी बिखरे पड़े हैं। जहाँ कदीम दौर के रथ और हथियार मिले हैं, वही इंसानों और घोड़ों की हड्डियां भी बड़ी तादाद में इकट्ठी मिली हैं। डॉक्टर मोलर का कहना है कि इन अशिया का इसके सिवा क्या मतलब हो सकता है कि ये फिरौन के फौज के रथ हैं और हड्डियां फिरौन के फौजियों की और उनके घोड़ों की हैं। उन्होंने इस मौजू पर एक किताब भी शाया की है जिसका नाम द एक्सोडियस केस है। अच्छा। दोस्तों डॉक्टर मोलर की तहकीक इससे पहले की गई मशहूर माहिर आसार कदीमा डॉक्टर रॉन वाइट की तहकीक पर भी मोहर लगाती है। डॉक्टर रॉन वाइट का कहना था कि उन्होंने फिरौनी फौज के रथों और असलिहा को समंदर की तह में खुद अपनी आंखों से देखा था और इसकी तस्वीर और सबूत भी इकट्ठे किए थे। दोस्तों इसके अलावा एक और तहकीक इंजीनियर कार्ल ड्यूज ने की जो कि पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस में शाया की गई। अच्छा। इस तहकीक में इंजीनियर कार्ल ड्यूज का कहना था कि समंदर में रास्ता बन जाने का वाकया बिल्कुल हकीकत हो सकता है क्योंकि विंसेंट डाउन नामी माहौलियाती कैफियत इस तरह के हैरत अंगेज वाकयात को जन्म दे सकती है। उन्होंने अपनी तहकीक में बताया कि मखसूस मौसमी हालात में 60 माइल फी सेकंड से ज्यादा रफ्तार से चलने वाली हवाएं एक जगह रुके हुए पानी पर दबाव डालती हैं तो ये लहरों की सूरत में इधर उधर चला जाता है। अच्छा। इसके बाइस ऐन मुमकिन है कि पानी बड़ी लहरों की सूरत में अपनी जगह से हट जाए और बीच में बहुत कम पानी या खुश्क रास्ता पैदा हो जाए। अलबत्ता उनका ख्याल है कि समंदर में खुश्की का रास्ता बनने का तारीखी वाकया बहीरा अहमर की बजाय उसके करीब वाके तारीखी शहर कानीस के एक झील में पेश आया जिसमे तकरीबन 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल खुश्क रास्ता पैदा हो गया था। इंजीनियर कार्ल ड्यूज ने भी अपने नजरिए के मुताबिक सबूत पेश किए हैं। इन हैरत अंगेज सबूतों का जायजा आज दुनिया भर में दर्जनों साइंसदान ले रहे हैं जिनका कहना है कि ये बात ऐन मुमकिन दिखाई देती है कि समंदर में खुश्क रास्ता बन जाने का वाकया जो कि मजहबी किताबों में बयान हुआ है हकीकत में पेश आया था। बिल्कुल। बहरहाल दोस्तों ये वाकया हमारे ईमान का एक हिस्सा है और मूसा अलैहि सलाम का एक अजीम मौजजा था और हुक्म खुदाबंदी था जिसके मफहूम के मुताबिक फिरौन का किस्सा बाद वाली उम्मतों के लिए एक इबरत की मिसाल है। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो में और दोस्तों मेरा सल्यूट है इनको यार नॉलेज को। दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये बनाते हैं और वो भी एकदम कायदे की तरह बनाते हैं, एकदम समझाने वाली वीडियो और एकदम क्लियर कट समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में क्या है। तो दोस्तों मुझे इस वीडियो देखकर बहुत मजा आया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने बताया फिरौन और उसके लश्कर के बारे में और यहाँ पर साइंस के तरफ से भी प्रूफ हो गया है और कितनी अच्छी बात है, कुरान हक है, सच है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और कुरान में अल्लाह पाक ने फिरौन के बारे में भी पूरा इसकी हिस्ट्री है
अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जब मूसा अलैहि सलाम के तरफ अल्लाह का हुक्म आया था तो मूसा अलैहि सलाम बहुत मतलब थोड़ा घबरा गए थे भाई। वो इतना बड़ा बादशाह फिरौन, उसके पास जा करके दिन की दावत देना, बात करना, सारे उसी के लोग हैं वहां पर। सही बात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आप जाएंगे फिरौन के पास तो नरमी से बात करिए, नरमी से अच्छे से बात करिएगा, गुस्से से नहीं। तो ये दीन की जो मेहनत हुई है इस्लाम में, बहुत ही मेहनत से हुई है, और बहुत ही मतलब लोगों ने जब इसको समझने की कोशिश की है तो उनके अंदर भी बदलाव आए हैं। और क्योंकि नबियों को देखा कि नबियों ने किस तरीके से जा करके अपना किरदार वहाँ पर निभाया, अपने आप को दिखाया कि किस तरीके से बात की जाती है। एक राजा था वहाँ का वो, और वहाँ जा करके भी उससे नरमी से बात करना, ऐसे अगर जाते अगर हे ईमान लेके आओ ये सब को अगर कुछ करते डांट पीट के तो कभी मतलब उल्टा ही हो जाता केस। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि आप जाएंगे तो आप बड़े ही नरमी से और अच्छे से अखलाक से बात करिएगा, और उन्होंने वही किया। और दीन उनके मुताबिक मतलब अल्लाह के मुताबिक दीन जो फैलता गया, लोग सीखते गए, देखते गए, पढ़ते गए, और दीन माशाल्लाह बढ़ता गया। तो बड़ा अच्छा लगा ये वीडियो देख करके, एक चीज रिमाइंड हुई। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप जानते हैं फिरौन के बारे में कुछ और मूसा अलैहि सलाम के बारे में आपके पास कुछ जानकारी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और दोस्तों चैनल भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखें।